टूटना मत, टूटना मत, आराम से आराम से आराम से आ जाओ गाइस। कम से कम एक कमेंट करके तो बताओ कैसा लग रहा है। रियल मुकबंग वीडियो बनाऊं ताकि लोग मुझे ये ना कहे कि भाई झूठ मूठ का खाता है, रियल में खाता ही नहीं है। गाइस 10 किलो वजन मेरा बढ़ चुका है। कितने गरीब लोग होंगे जरा सोच कर देखिए, फुटपाथ पे सोते, एक निवाला खाने के लिए तरसते, और हम जैसे लोग इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर ऐसे ही फेंक दे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल गाइस नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया ना कभी करूँगा। तो गाइस लास्ट वाइट, बंगाली में इस मछली को बोलते हैं तेलापिया या लाइलन टीका, पर यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं? राजा रानी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की मुकबंग स्पेशल देखिए, पूरे 4 फुल फिश फ्राई है, साथ में मटर पनीर और रोटी, कोल्ड ड्रिंक्स और गाइस सलाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक ही रिक्वेस्ट मैं हमेशा आप लोगों से करता हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। गाइस क्या टेस्टी बनाया इसकी फिश, सच में लाजवाब। देखो गाइस, इसकी हेड में ना कांटे बहुत हैं इसलिए गाइस इसको करते हैं साइड। आ जाओ भाई तुम यहाँ आ जाओ और फिश को करते हैं फिनिश। पूरे 1.5 किलो हैं। देखो भाई पीस, देखो भाई प्याज, ऑलमोस्ट डाइट, एक फिश फिनिश। ये इसका मेन कटा है, आप थोड़ा मटर पनीर की सब्जी का स्वाद ले आ जाए। अब गाइस दूसरा फिश, आज सच में फिश बहुत अच्छा लग रहा है। एक किलो 600 ग्राम है चारों मिलाकर। गाइस ये देखो
इसको भी ऊपर उठा लेते हैं। टूटना मत, टूटना मत, आराम से आराम से आराम से आ जाओ। तो चलो भाई, अरे टूट जा भाई, टूट जा, टूट जा। भाई लाइट गई, इन्वर्टर बोल रहा है। गाइस आई विल फिनिश। आज मुझे लग रहा है कि मैं चारों मछली खा लूँगा 1 किलो 600 ग्राम, क्योंकि 2 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। गाइस कम से कम एक कमेंट करके तो बताओ कैसा लग रहा है। गाइस हर यूट्यूबर का सपना होता है कि जो भी लोग उनका वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन ना ही लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कमेंट थोड़ा सा कर दिया करो, हम भी किसी के बच्चे हैं। तुम भी आ जाओ। गाय जो तीसरा जा रहा है, तो गाइस ये भी फिनिश। तुम भी आ जाओ। वैसे मेरा पेट अभी तक भरा नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इस मछली कभी भी खा सकता हूँ, लेकिन गाइस वो थोड़ा ज़बरदस्ती हो जाएगा, हो सकता है कि तबीयत बिगड़ जाए, पेट ख़राब हो जाए, तो क्या फ़ायदा, जितना कैपेसिटी उतना ही ना खाना चाहिए। जो लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं फेक मुकबंग वीडियो कभी नहीं बनाता, जितना मैं खा सकता हूँ उतना ही दिखाता हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा रियल मुकबंग वीडियो बनाऊँ, ताकि लोग मुझे ये ना कहे कि भाई झूठ मूठ का खाता है, रियल में खाता ही नहीं है। गाइस 10 किलो वज़न मेरा बढ़ चुका है। गाइस
गाइस मेरी एक कमज़ोरी है और मैं चाहता हूँ ये कमज़ोरी हर इंसान के अंदर होना चाहिए। खाना जो है वो कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं अपना खाना कभी वेस्ट नहीं करता। ये बच जाएगा इसको फ्रिज में रख दूँगा, सुबह फिर गर्म करूँगा फिर खा लूँगा, लेकिन गाइस फेंक नहीं सकता। इतना मेहनत से इसको बनाया गया है और ऐसे ही फेंक दूँ, कितने गरीब लोग होंगे ज़रा सोच कर देखिए। फुटपाथ पे सोते, एक निवाला खाने के लिए तरसते, और हम जैसे लोग इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर ऐसे ही फेंक दे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल गाइस नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया ना कभी करूँगा। तो गाइस लास्ट वाइट, आज बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा लगा, सच में बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये मछली है ना, इस मछली का नाम बोल रहे थे राजा रानी। बंगाली में इस मछली को बोलते हैं तेलापिया या लाइलन टीका, पर यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं? राजा रानी। गाइस मैं तो पहली बार सुना इस मछली का नाम राजा रानी है, आपकी वहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत अच्छा लगा गाइस आज की खाना, सच में बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आई होप गाइस आप लोग भी बहुत इन्जॉय किए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।